हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ब्लॉग स्टार्टिंग कर देते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपने ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने गेट के बाहर से, जो कि बाहर का गेट है, ये अंदर का गेट है। यहाँ से ही कर रही हूँ। तो दरवाज़ा बंद करने आई तो हाथ में मोबाइल था, इतने में बच्चे आ गए, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्टिंग कर देती हूँ। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। बंद कर देते दरवाजे को। और बहुत काम था कल, आपको पता ही है, वेडनेसडे मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो फिर बहुत काम हो जाता है। सफाई सफाई करना सब कुछ कर दिया है, बस मिर्ची तोड़नी रह गई है। और हरी सब्जी भी काट दी मैंने, काट के फ्रिज में रख दी है। बाकी काम चल ही रहा है। लंच ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच की तैयारी चल रही है। और बच्चों को दे रखा मैंने कढ़ी चावल। कैसा हो रहा? एक नंबर। इसको एक नंबर लगा। कैसा हो रहा है? एक नंबर। क्या खा रहे हो तुम? क्या खा रहे हो तुम? ओ माय गॉड, वो कढ़ी चावल खा रही है। जो ही बात खा रहा है ये पहाड़ी बम है। तू पहाड़ी बम? वो है देसी बम। और ये है सोना। सोना सोना खाओगी बेटा खाना? क्योंकि सोना के आने से पहले मैं इनको दे चुकी थी और वो तो ऐसी था ठस्से में। सोना नहीं खाएगी, मुझे पता है। सोना खाती ही नहीं, खाना बहुत कम खाती है। सोना को लाओ बेटा, खाना खाएगा? छुट्टियां भूल गई ना? और कब है फिर एग्ज़ाम और रिजल्ट कब आ रहा है? 28 को। और प्रियांश कब आ रहा है? 28 को। 28 को। और हर्षित कब आ रहा है? 5 अप्रैल, मार्च को आएगा ना? अप्रैल को। क्यों, पक्का पता है तेरे को? अच्छा, इसका 5 मार्च को आ रहा है क्योंकि इसका उत्तराखंड बोर्ड है। उत्तराखंड? हाँ 5 अप्रैल। तो इसका उत्तराखंड है ना तेरा? तो उत्तरा ये तो उत्तराखंड से आया है, तो इसको उत्तराखंड में 9th क्लास में, 8th क्लास में ना तू? ये 8th का स्टूडेंट है और ये 6th का है और ये 2nd की है। सोना 2nd क्लास के स्टूडेंट है। और इन्होंने आज ये बहुत अच्छे समझदार बन गए। मैंने रिमोट छुपा दिया यूट्यूब चलाने वाला और इन्होंने आज ये सुन रहे समाचार। कितने अच्छे बच्चे हो गए यार ये। मैं इनको अच्छा बना दूंगी ऐसा लगता है प्रियांश? प्रिया ऐसा लगता है मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगी ना? संस्कारी यूट्यूब चला के रखते हैं दिन भर, पूरे दिन में ब्लॉग चलाते हैं और नेट ख़त्म कर देते हैं पूरे वाईफाई का। रात को घूमता है फिर वो तो। हाँ क्या, किसके? सौरभ जोशी के 20 मिलियन से मैं क्या करूँ? मेरे तो नहीं हुए, मेरे 400 सब्सक्राइबर हुए। गाइस मुझे भी बहुत बहुत बधाई देना आप लोग। मेरे लिए तो 400 भी सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात है। मैं तो खुश हूँ, मेरे 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कल। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने 400 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। कुछ तो बात होगी तभी तो किया है ना। और जैसी 400 हुए हैं ऐसी 800 भी होंगे, 1600 भी होंगे, 16000 भी होंगे, है ना भाई? और मिलियन फिलियन जो भी होंगे, बिलियन मिलियन सब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई वो नहीं है। मैं अपना काम करूँगी, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। जहाँ चाहा वहीं रहा होती है, जहाँ चाहा वहीं रहा होती है, वो तो सभी को पता ही है। ऐसी मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, देखते हैं यूट्यूब कब तक हमारी वीडियो वायरल नहीं करता, कब तक हमको रिएक्ट नहीं करता हमारी वीडियो को, देखते हैं, है ना? एक ना एक दिन यूट्यूब को हार मान के देखना ही पड़ेगा। आशा बिष्ट ब्लॉगर को भी कुछ देना चाहिए उस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और हाँ क्या हर्षो? हर्षित कह रहा है मेरा भतीजा अब आएगा सीधे डायमंड प्ले बटन। वाओ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच सभी का। बहुत सारे लोग हैं, नाम एक का लूँगी तो फिर वो पार्सलेटिव हो जाएंगे ना, 2-4 का नाम लूँगी तो सारे लोग हैं। क्योंकि जब 100, 150, 120 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब इतने लोग देख रहे हैं ना, इतने लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। और तो वो सब मेरे लिए अमूल्य हैं और उनका कोई मूल्य नहीं है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मम्मी आज ऊपर बैठी हैं बबीता के वहाँ, और उनका खाना वहीं चल रहा है और वहाँ रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, अभी मिलाती हूँ। और एक दीदी भी आई है, नीलम दीदी, और बबीता की मम्मी है, मेरी मम्मी है और बबीता है ऊपर। बबीता जिद करती यहीं खाना खाओगे, मैं नीचे आ गई और क्या कहते हैं, मैंने कढ़ी चावल गरम करके इनको दे दिया, बच्चों को ओवन में गरम करा और दे दिया। इन दोनों का तो हो गया और हमने भी रोटी खा ली थी। अब देखो अभी आते हैं हस्बैंड, अगर वो कहते खिचड़ी बना तो खिचड़ी बना दूंगी,
नहीं तो फिर देखते हैं, फिर अभी ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ ऊपर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है ऐसा, बहुत पैसे वाले, ये देखो यहाँ पे औरंगजेब के ज़माने की बात हो रही है। ये बाबा आजम के ज़माने के लोग यहाँ बैठे हैं। ये मेरी ईजा, बबीता की ईजा, नेहा की ईजा और मैं हूँ मोना की ईजा। ये मेरी जगह कारोबार चल गया यार। ईजा बे सुनीता दी जर्सी नहीं हो, मैं दिक्कत देने भूल गई यार, बे दी जर्सी हूँ। ये बबीता का यहाँ पर चल रहा है खाना पीना। बबीता आज पता नहीं क्या बना रही, मैं दिखा के जाती हूँ आपको। क्या है यार, अच्छी मेरे खाली की बेइज्जती मत करो। बे इतना बड़ा थैला क्यों रखा है यहाँ पे, क्या है? खाली है थैला, तो सब्जी का है कल का। ये बबीता का सब्जी का स्टॉक है यहाँ पर। ये सब्जी ओ गजब, एक सब्जी ये बन गई, एक सब्जी निकल इसके अंदर बतर बतर बटर बटर कर रही है। आटा गूंद रखा है और दूध उबाल रखा है, सब्जी रखी है और बर्तन धो रखे हैं। अरे यार बर्तन भी धो दिए बबीता ने तो। ये है बबीता का किचन। ये सब्जी का थैला ख़त्म होते होते इतना हो गया, और तो सभी का फैला पड़ा होता, हम वो थोड़ा है कोई इतना अच्छा होगा था तुम्हारे चैनल में देखा। कराची दीदी का घर, कराची दीदी आपकी तारीफ हो रही है, कराची दीदी आपकी तारीफ हो रही है। बबीता कह रही है कराची दीदी का इतना अच्छा घर चमक रहा था बार वीडियो में देखा, आपकी इज्जत हो गई मेरी वीडियो द्वारा आपके घर की सफाई की। तो आज बबीता ने धोया है कंबल। ये इतनी धूप आ गई, देखो सर्दियों में धूप आती नहीं है, अभी इस टाइम चटा धूप लग रही है। और ये बबीता ने छिली है मिर्ची के लिए अचार सुखाई है, इतना बड़ा कंबल धो दिया आज। बाप रे बाप कैसे धो दिया होगा, ये बबीता ने धोया या सुमित ने धोया होगा? नहीं नहीं जाओ जाओ कोई बात नहीं बेटा, दियाओ सोना आ गई है दही लेके। हाँ हाँ चलो अंदर चलो चलो मम्मा को दियाओ। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है, आज हल्की हल्की धूप है, गर्मी तो है ही बट हल्की धूप है। हमारे ऊपर से ऐसा दिखता है कुछ, ये कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ये पेड़ लाल लाल दिखा था, अब सूख गया, सारे फूल झड़ गए। और स्कूल की बस जा रही है, सलवान की है शायद ही। यह है सोना की साइकिल, सोना साइकिल चलाती है, सोना के साइकिल के लिए चलाने के लिए बहुत जगह है यहाँ पे। सोना चप्पल उतार रही है। ओ सैंडल है, सॉरी सॉरी मैंने सैंडल चप्पल बोल दिया। सोना बंद करके आना। हाँ तो आज की पार्टी बबीता की तरफ से, और यहाँ चल रहा है कारोबार। मेरी जा बना रही है बत्ती, सुनीता की, सुनीता तुम्हारी बत्ती बन रही है। वर्क इज प्रोसेस इज या इन वर्क इन प्रोसेस। और 2 साल का ठेका मिल गया मेरे ईजा को, सुनता पता नहीं कितने 1000 रुपये देगी अब। और ये कुटियाल दीदी आई है, ये इन्होंने ये प्रैक्टिस कर रही है अभी, ये कह रही है कि मैं तेरी जगह साथ पार्टनरशिप करूंगी। ये पूरा फेसरी का मेरी मम्मी का बिजनेस छीनने को तैयार है ये। और ये इन्होंने ज्यादा खा लिया बल, अब इन्होंने यू कौनी मिशी जानो बल तुम भैरो बल। और ये पूरा फेसरी का ठेका ले लिया है, और नीलम दीदी ने ठेका दे दिया है। और बताओ, और गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज इनका ये कहना है कि इनके घर में हवन हुआ था, बहुत ही मतलब ऐसी बात है, आप सुनना इस बात को गौर करना। नहीं सही बात है ये, बहुत आश्चर्यचकित बात है, और मतलब इस बात पे गौर फरमाना। इन्होंने हवन किया, हवन की मिट्टी जो है गमले, हवन का जो सामग्री है वो गमले में डाली, और गमले में ना शंख उग गए, ढेर सारे शंख उग गए। और मेरे घर में ही है इनका घर, मेरे एड्रेस पर आ जाना आप अगर चाहिए तो। हाँ मेरे को दे देना। हाँ तो मेरा शंख वैसे खंडित हो गया था, मैंने प्रवाहित कर दिया था गंगा जी में, और एक शंख तो मेरी बुकिंग हो गई, जिसको और चाहिए तो शंख आप आ जाना इधर। और हवन सामग्री डालने से उगे गमले में शंख, बाप रे बाप है। हाँ तो गाइज अगर आप चाहते हैं तो आप भी डाल सकते हैं हवन सामग्री को उसमें गमले में। हाँ फेंको मत और गमले में डालना, सब तली मली हरी कशली में सबको दगड़ दगड़ कोई इथान लम शटरो को उठान लम शटरो को इथान चौड़पटरो ए भितेल लम शटरो। और जो कारीगरी से बिचारी जो घर 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 गृहस्थी वाल वो काम कर रहे हैं, हाँ ऑनलाइन पे बुकिंग करा सकते ले सकते हैं आप ऑनलाइन। मुझे मुझे कॉल कर देना, और मुझे पहले मैसेज करना
इसके नीचे जिसको चाहिए संघ, और सच में हाँ, और मैं दिखाऊंगी अगर हो सके तो, मैं अभी दिखाऊंगी नहीं तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं, हाँ दूसरे ब्लॉग में, आज नहीं दिखा पाऊंगी। और आज इनके कह रहे हैं थोड़ी बड़े होने दो, उनको कह रही है तो अच्छा तुम्हें मिट्टी के ढके हैं कि ऊपर से उगे हैं, उगे हैं नहीं नीचे मिट्टी के अंदर है कि ऊपर आ गए? बाप रे बाप फ्रेंड्स, वो तो शंख तो ऊपर आ गए कह रही है, मिट्टी से भी ऊपर आ गए, बताओ कहीं ऐसा ना हो कि चल चल के हमारे घर आ जाए वो कड़क, अपना एड्रेस दे दो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, शंख कड़क हो गए, तो कड़क ही हाँ। वैसे तो सच में कैसे आ गए यार शंख में, तो आश्चर्यचकित बात हो गई यार। परी आपकी नानी के गमले में शंख उग गए हैं, और अगर आप लोगों को चाहिए या आपकी सोसाइटी में किसी को चाहिए तो तुरंत अपनी नानी का कॉन्टैक्ट नंबर देके इनसे कॉन्टैक्ट करें, ऑनलाइन बुकिंग। और इनके गमले में उगे शंख हवन सामग्री डालने के बाद शाम के बज गए हैं 6। राजू भी ड्यूटी से आ गया अपनी जीजा को लेने, हमारी ये बैठे हैं दो चंगू मंगू, शाम के 6 बज चुके हैं, ये लेने आ गए। अब देखो क्या होता है आज, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो आज बन रहा है चिकन, क्योंकि हमारा चिकन बहुत दिन से पोस्टपोन हो रहा था, अल्टीमेटली आज बन, हटा हटा अल्टीमेटली यार बन चुका है। लहसुन कूट रहे हैं और चिकन दिखाती हूँ मैं आपको बाहर जाके किचन में। तो मैं चिकन को धो लेती हूँ और फिर आज तो यम्मी सा डिनर होने वाला है, और ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ। चिकन का शॉर्ट वीडियो डालूँगी शायद मैं, तो उसी में आप देखना किस तरह से बनाया है, बन पाया तो नहीं, तो बनाने में फिर टाइम कहाँ मिल पाता है इतना, बनाने के साथ ना मतलब वो नहीं करना चाहिए, पंगा लेना चाहिए, टेस्ट ख़राब हो जाता है। और आराम से इसको बनवा लो, तो ध्यान से बनाओ तो सही रहता है ना। तो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ और बनाते हैं आज चिकन, आज बनेगा खाने में चिकन का डिनर करेंगे हम लोग। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत, गुड नाइट।